बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद सना। आज हम बना रहे हैं चिकन पकौड़। मैंने 1.5 केजी चिकन ली है। इसमें मैंने लेग्स और विंग्स ली हैं। आप जो चाहें इसमें ले सकती हैं, चाहे आप फुल चिकन भी ले सकती हैं। 1 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून नमक है, 3 टेबलस्पून रेड चिली है, लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर है, 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर है और 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, 2 बड़े लेमन है, 1 प्याली इसमें दही की है, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है इसमें। अब हम बनाते हैं। एक बाउल मैंने ले ली है, इसमें दही ऐड कर रही हूँ मैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब ये सारे मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें लीमू का जूस डाल दिया, अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसमें चिकन डाल देना। सारा चिकन इसमें ऐड कर दिया और हाथ की मदद से बहुत अच्छे से इसमें सारा पेस्ट हम लगाएंगे। बहुत अच्छे से हमने मैरिनेशन करना है। तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए हमने इसे रख देना है मैरिनेट करके। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 1 से 2 घंटे हो चुके हैं। एक बड़ी कढ़ाई ली और इसमें मैंने सारी चिकन डाल दिए। चूल्हा मैंने ज़रा तेज़ रखा हुआ है। चिकन के गर्म होने के बाद मैंने इसकी आहिस्ता सी आंच कर दी और ऊपर प्लेट दे दी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हमने प्लेट हटाई और चेक किया, चिकन हमारा गल चुका है। अब जो इसमें पानी है वो हम ड्राई करेंगे, चूल्हा हम तेज़ करेंगे। चिकन हमारा ड्राई हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। अब मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी ले रही हूँ और हसबे ज़रूरत हम पानी यूज़ करेंगे। एक बोल लिया मैंने और इसमें बेसन शामिल कर लिया। अब इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल दिए और हसबे ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे। ना ज़्यादा गाढ़ा करेंगे और ना ज़्यादा इसे पतला करेंगे, दरमियाना इसे रखना है हमने। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी हमने डालना है और अच्छे से इसे मिक्स करना है। बैटर हमारा तैयार हो चुका है, इसे इतना थिक रखना है हमने। चिकन हमारी ठंडी हो चुकी है। एक पीस मैंने लिया है और उसे मैं ऐसे बेसन में डिप कर रही हूँ बड़े अच्छे तरीके से। अब हम इसे फ्राई करते हैं। पैन में हमने घी डाल लिए, इसे हमने डीप फ्राई करना है। तेज़ आंच पे मैंने घी को गर्म किया है और फिर मैंने इसे चिकन का पीस डाल दिया। ऐसे हम सारे पीस डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने पीसीस को बिल्कुल भी नहीं हिलाना, वरना इनकी कोटिंग उतर जाएगी। ये मीडियम आंच पे हम फ्राई कर रहे हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही गोल्डन ब्राउन करेंगे मीडियम आंच पे। चिकन पकौड़ा फ्राई हो चुका है, मैं इसे डिश आउट करती हूँ। चिकन पकौड़ा हमारा रेडी है, बहुत ही यमी सा मज़ेदार सा बना है। आप इसे ट्राई कीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।